हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम टैक्स वॉक का डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर 14 है जिसमें हम टैक्स बॉक्स के जरिए हम कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सब हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें एक फॉर्म लेना होगा। हम एक फॉर्म लेते हैं जिसमें हम नाम लिखते हैं कॉम्बो बॉक्स। अब मैं इस फॉर्म पर बटन लेता हूँ एक। चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ऐड। अब मैं एक और बटन लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं रिमूव, ताकि हम कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स को रिमूव कर सकें। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ ताकि हम टेक्स्ट बॉक्स के जरिए कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज पहुंचा सकें। अब फाइनली हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक कॉम्बो बॉक्स की। ये मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया। अब चलिए पहले ऐड के लिए कोडिंग करते हैं। मैंने ऐड पर क्लिक किया। अब हम कोडिंग करेंगे। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड और इसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे हम पास करेंगे टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट की। चलिए हम दूसरे के लिए भी कोडिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रिमूव करने के आइटम्स को हमारे पास दो तरीके हैं, या तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए या खुद कॉम्बो बॉक्स के जरिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के जरिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप कॉम्बो बॉक्स के जरिए आइटम्स को रिमूव कर सकते हो। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट रिमूव, इसके अंदर वैल्यू बस पास कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की। अब जो हमने यहाँ पर कोडिंग किया है, इससे जो टैक्स बॉक्स के अंदर टैक्स है वो कॉम्बो बॉक्स से डिलीट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आइटम लिखते हैं सी। मैंने ऐड पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है ये। मैं कुछ आइटम्स और ऐड करता हूँ। सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, प्रो प्रोग्रामिंग, देन ऐड। देखिए यहाँ पर टोटल 5 आइटम ऐड हो चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे जावा को डिलीट करना है, तो मुझे बस यहाँ पर जावा लिखना होगा और आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा कि कॉम्बो बॉक्स में लिखा हुआ है, यानी कि जे कैपिटल है और बाकी सारे लेटर स्मॉल है। मैं रिमूव पर क्लिक करता हूँ और जावा इसमें से रिमूव हो चुका होगा। देखिए अब मुझे मान लीजिए सी प्लस प्लस को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी प्लस प्लस, देन रिमूव पर मैंने क्लिक किया तो सी प्लस प्लस रिमूव हो चुका है। हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के बिना हम सिर्फ कॉम्बो बॉक्स के जरिए किस तरह से आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बदले टेक्स्ट बॉक्स के बजाय यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। यानी कि दोस्तों, जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर सेलेक्टेड आइटम है उसकी जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो हम एंटर करते हैं आइटम, वो एक स्ट्रिंग के रूप में कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड होते हैं, तो हमें उस स्ट्रिंग को डिलीट करना है। इसीलिए मैंने लिखा है कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। और सेलेक्टेड आइटम वो आइटम होगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्टेड आइटम डिलीट हो जाएगा जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सी, सी प्लस प्लस,
लेकिन यहाँ से मैं सी प्लस प्लस सिलेक्ट करता हूँ और मैं रिमूव पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ से सी प्लस प्लस रिमूव हो चुका है। अब मैं सी पर क्लिक करता हूँ, रिमूव पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ से सी भी क्लीन आई मीन सी भी रिमूव हो चुका है। हमने जाना इस ट्यूटोरियल में कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को कॉमन बॉक्स के साथ यूज करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे और टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज देखा है। आप जाकर मेरे चैनल पर या इस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो कि और कौन कौन से तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे प्रेजेंटर का यूज़ कैसे करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बस तब तक के लिए इंतजार कीजिए, आने वाले एक दो लेक्चर्स में मैं आपको इवेंट का यूज़ करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।